पहले हमारी वीडियो ऐसे दिखाई देती थी और अब ऐसे दिखाई देती है। अगर आप भी अपनी वीडियो को ऐसा करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपका भी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। Wait a minute. Who are you? Okay. I'm just joking. Well, अगर आप भी अपनी वीडियो का बैकग्राउंड ऐसे चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत एडिटिंग है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मैजिक का खेल नहीं है, सब एडिटिंग का ही खेल है। तो वो आपको करना पड़ेगा और आप भी अपनी वीडियो का बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, जिससे कि लोगों को देखने में अट्रैक्टिव आपकी वीडियो लगे। तो आप भी अगर सीखना चाहते हो ये सब करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले, ये मेरा यूट्यूब चैनल है HG Talks। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बगल में ही बेल आइकन उसको दबा देना और ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी, हाउ टू रिवर्स अ वीडियो। अगर आप अपनी वीडियो को रिवर्स करना चाहते हो, जैसे कि अभी वीडियो चल रही है आगे की तरफ और आप चाहते हो कि वो पीछे की तरफ चले, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। पूरा डिटेल गाइड मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो अब आ जाते हैं वापस से इसी क्लिप पे। तो यहाँ पर है कि हमें बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। दोस्तों बैकग्राउंड चेंज करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। सबसे पहले ये है मेरा दोस्तों ओरिजिनल बैकग्राउंड, आप पीछे देख सकते हो कि ये मैंने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है, जिसे ग्रीन पर्दा बोलते हैं। आपको इसके ऊपर अपनी वीडियो शूट करनी होगी, है ना। तो ये जो ग्रीन स्क्रीन है वो दोस्तों आपको ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह मिल जाएगी, 300 रुपये के आसपास की ये आपको मिल जाएगी। लेकिन अलग अलग कंट्री सिटी में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस मिल सकते हैं, लेकिन 300 रुपये के आसपास की ये स्क्रीन आपको मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अमेजन का मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो आप ऑफलाइन आपके घर के आसपास जो भी होगी वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये है कि आपको वीडियो शूट करनी है ग्रीन स्क्रीन पर्दे पे। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो कि ग्रीन स्क्रीन पे शूट कर रखी है, पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि ग्रीन स्क्रीन के अलावा कोई भी और यहाँ पर कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ ग्रीन पर्दे में ही कवर कर रखा है। कोई भी दीवार का जो रंग है, कलर है, वो नहीं कैप्चर कर रखा मैंने वीडियो के फ्रेम के अंदर। तो आपको भी यही सब करना है कि वीडियो ग्रीन स्क्रीन पर्दे में शूट करनी है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप के लिए। दूसरा स्टेप यह होगा कि दोस्तों मैं इसको एडिट करना आपको सिखाऊंगा फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अगर आपके पास फिल्मोरा सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे, मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर से कि आगे का प्रोसेस क्या है, क्योंकि आगे का प्रोसेस स्क्रीन पे ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये मैंने अपना जो फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर है उसको मैंने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे ओपन हूँ। तो सबसे पहले आई होप कि आपने जो अपनी वीडियो है वो ग्रीन स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर ली होगी, जिस तरह से मैंने कर रखी है। तो यहाँ पर अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लिप ले रखी थी, डांस नाम से मैंने ले रखा है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लिप ले रखी है, इंटरनेट से इसको उठा रखा है दोस्तों, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल नहीं है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका जो है वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ, उसके बाद कैसे इसको एडिट करें वो सिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है। बस बस ज़्यादा नहीं देखना, आप भी डांस करना सीख जाओगे, इसका डांस देख के तो दोस्तों हम भी डांस करना सीख ही जाएंगे। तो ये है कुछ क्लिप हमारी, ठीक है। अब इसको मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रीन स्क्रीन में कैसे एडिट करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पर दो बार टैप करना है, जैसे कि मैंने दो बार टैप करा, ठीक है, यहाँ पर दो बार क्लिक करा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखिएगा क्रोमाकी। क्रोमाकी कहाँ में, कहाँ आता है, ये वीडियो वाले सेक्शन में आता है वीडियो, और यहाँ पर ये क्रोमाकी, ये देखिए। तो इस पर आपको टिक करना है, जैसे आप टिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब आपको अपने मन में है कि मुझे यहाँ पर ना कुछ लगाना है, कोई कलर लगाना है पीछे बैकग्राउंड में, तो क्या कर सकते हो, आप कोई भी कलर लगा सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको क्या दिखाता हूँ, कोई सैम्पल कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, नहीं ग्रीन तो चलो लगा हुआ था, मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, जैसे कि वाइट कलर अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना वाइट कलर आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्लिप है इसको थोड़ा एक कदम ऊपर रखना है, ठीक है, बॉक्स टू में, क्योंकि
बड़ा वाला जो बॉक्स है उसके नीचे हम जा नहीं सकते, तो यहाँ पर हमें कलर लगाना है, ये देखिए वाइट कलर। तो यहाँ पर हमारी जो क्लिप है वो कुछ उस इस तरह से दिखाई दे रही है, ये देखिए डांस हो रहा है दोस्तों। अब ये था ओरिजिनल वाला, ठीक है, जो मैंने ग्रीन स्पीकर क्लिक करा था। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि दोस्तों ये जो कलर है वो वाइट नहीं लग रहा, थोड़ा सा कलर इसका डल है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पर दो बार टैप कीजिए डबल वाला, तो यहाँ पर आपने क्रोमा की पे क्लिक कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर है आउटसेट, तो यहाँ पर जीरो है, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके ना बढ़ा के देखिए, जैसे कि मैंने अभी 10 पॉइंट इंक्रीज कर दिया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो इसका कलर देख सकते हो कि थोड़ा सा वाइट हुआ, नहीं हुआ, अब देखिए थोड़ा सा वाइट हुआ होगा, ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और इसका कलर वाइट हो सकता था, तो यहाँ पर मैं 10 की जगह 20 कर दूंगा, तो मैं 20 कर दूंगा, तो दोस्तों थोड़ा और ये डल हो जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हो कि जितना मैं इसका कलर आगे करूंगा ना, ये इसका जो शेडो बेकार होती जाएगी, और जितना कम करूंगा उतना काला होता जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से आपको सेटिंग करनी है कि आपने ग्रीन स्क्रीन लाइटिंग में शूट करी है या फिर अंधेरे में शूट करी है। तो जब भी मैं क्या पता इसकी जो ग्रीन स्क्रीन है वो दोस्तों थोड़ा अंधेरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा इन्होंने लाइटिंग कम दी वापस, इसलिए इन्होंने ग्रीन स्क्रीन वापस शूट करके। पर जब भी आप ग्रीन स्क्रीन को शूटिंग करो अपने आसपास दोस्तों लाइटिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए, आपकी जो परछाई है वो ग्रीन स्क्रीन पर ज़्यादातर नहीं पड़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी परछाई ग्रीन स्क्रीन पर पड़ेगी उतनी ज़्यादा आपको एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उतनी ज़्यादा क्वालिटी में थोड़ी कम इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप वीडियो ग्रीन स्क्रीन में शूट करो तो लाइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल इसमें करता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी जितना 30 ग्रीन स्क्रीन की कैपेसिटी उतना मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर 10 पे मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर आप चाहो जितनी मर्जी कलर लगा सकते हो, जैसे कि इसके आगे मैं एक को लगा देता हूँ दिखाने के लिए, आपको सिर्फ सैंपल है वीडियो। तो आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ये देखिए इसका जो कलर है वो अब ऑरेंज हो चुका है, ठीक है। अभी ऑरेंज से इसका कलर दोबारा से ये वाला कलर हो चुका है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार मुझे ना कलर नहीं लगाना, मुझे कोई ना वीडियो क्लिप लगानी है इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन के अंदर। तो अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ये मैंने इसको वापस कर दिया, ये वापस से ग्रीन स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नहीं मुझे ना वो करनी है, एक वीडियो क्लिप लगानी है इसके पीछे। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वीडियो क्लिप कैसे लगाए। तो अब इसके लिए मुझे एक वीडियो क्लिप डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो अभी मैं फ्री एक वीडियो क्लिप ऑनलाइन ही उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर पिक्सब वेबसाइट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है, अंतरिक्ष की वीडियो क्लिप लगाएंगे यहाँ पर हम। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप मेरे सामने आज आ गई है, बादलों के ऊपर डांस करते हुए, वाओ मज़ा ही आ जाएगा। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको अपने डेस्कटॉप पे दोबारा से उसी पे फिल्मोर पे जाके इसको अपलोड कर लेता हूँ। इसको अपलोड कर लेते हैं, पहले देख लूँ कि डाउनलोड हुआ ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने वीडियो क्लिप डाउनलोड कर ली है। तो वापस से क्या करना है, इसी वीडियो क्लिप को यहाँ से पकड़ के इसको नीचे लाना है और उसके नीचे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके नीचे लगा दिया है। अब यहाँ पर बादल चल रहे हैं नीचे, क्योंकि अभी वीडियो क्लिप दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ऊपर ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। तो वापस से इस पर दो बार टैप करना है, यहाँ पर क्रोमा की पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर 10 है, अगर यहाँ पर मैं जीरो कर दूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। आप देखिए कि अभी ये कुछ इस तरह से डांस हो रहा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि ये पूरा बादलों के ऊपर डांस हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ पर मैं इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 0 की जगह 10 कर देता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है, 0 की जगह 10 करना है। तो यहाँ पर मैंने 10 कर दिया, तो देखो बादल थोड़े क्लियर, थोड़ी क्वालिटी इसमें नज़र आई है ना, ये देखिए। जितना ज़्यादा आप इसको ना अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना कि 10 पे ठीक लग रहा है, 15 पे ठीक लग रहा है या 20 पे ठीक लग रहा है ना। तो लेकिन इसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ऐसी थी इसलिए मैं 15 कर रहा हूँ, तो इसका थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, आपको थोड़ा काला काला दिखाई दे रहा होगा। वैसे अगर आप खुद से वीडियो शूट करोगे, अगर मैं इसी को ले लूँ, तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड अपना 20 कर रखा है, आप देख सकते हो कि 20 पे कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसका कुछ ऐसा है। तो अभी तो ये वीडियो के लिए 10 पे अच्छी लग रही है, तो मैं इसको 10 ही कर देता हूँ। और 10 पे देखिए दोस्तों, ये है हमारी वीडियो क्लिप, बैकग्राउंड ऐसे चेंज होता है बादलों के ऊपर, ये देखिए। तो दोस्तों यही तरीका था कि कैसे आप अपनी ग्रीन स्क्रीन पे, मतलब कि अपना जो बैकग्राउंड उसको कैसे चेंज करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए दोबारा चैनल पर विजिट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।